वैसे तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आए दिन कोई न कोई संस्था निशुल्क कैंप का आयोजन करती ही रहती है, लेकिन आज जो मामला आपको बताने जा रहे हैं वे कुछ अनोखा है, जिसमें राजकिरण डिग्री कॉलेज द्वारा सभी गरीबों को मुफ्त में नेत्र परीक्षण दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जिले के जाने माने डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल भी शामिल हैं। आज दिनांक 29/7/2019 को राजकिरण चैरिटेबल ट्रस्ट व जिला नेत्र चिकित्सालय मुरादाबाद के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 480 मरीजों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया व निशुल्क दवाइयां वितरित की गयी। डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि हम जितने भी गरीब मरीज हैं उनको फ्री में दवाइयां, चेकअप व ऑपरेशन की सुविधा मुहैया कराएंगे। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रबंधक प्रमोद यादव, महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी शर्मा, फार्मा के प्रतिनिधि रोहित गुप्ता के साथ महाविद्यालय का स्टाफ अमरपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, रविन्द्र कुमार, अवधेश कुमार, जयंत कुमार, प्रीति यादव, प्रवीण यादव, जावेद अख्तर, जगदीश, रामू देवी, मित्रपाल सिंह, ऋषभ शर्मा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आया हूँ यहाँ पे, वहाँ पे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि राजकिरण एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और एनेक्सस फार्मास्यूटिकल के सहयोग से एक विशाल आई कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक हमने 300 मरीजों को निशुल्क देखा है, निशुल्क परामर्श, निशुल्क दवाइयाँ भी वितरित करी हैं और ऑपरेशन वाले मरीजों के लिए खास सुविधा का इंतजाम किया है, जिसमें कि उनके फ्री पर्चा, फ्री महंगी जांचें और क्या कहते हैं लाने ले जाने के लिए फ्री गाड़ी का भी इंतज़ाम किया है। और उम्मीद है इन सारे आयोजन से मरीजों को फ़ायदा होएगा और आगे भी हमारी कोशिश रहेगा कि जन सेवा के लिए ऐसे भविष्य में कैंप आयोजित करते हैं। सर, इस कैंप का उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित है या इससे आगे भी आप कैंप आयोजित करेंगे? इससे आगे भी करेंगे और कर भी रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि क्या कहते हैं, दृष्टि समर्थ भारत, स्वस्थ भारत और मस्त भारत। सर, एक छोटी सी बात, आपने जो यहाँ पर जितने मरीज आए मुफ्त में आप उनका इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में आप उनको दवाइयाँ बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा कौन उठा रहा है? ये खर्चा देखिए ऐसा है कि क्या कहते हैं, ये खर्चा जो है ये निकल के आता है। इसका एक ये बिजनेस फॉर्मूला आप समझिए, ऐसा है कि एक आम धारणा है कि भाई खर्चा कैसे निकलेगा, तो खर्चा निकालने के लिए मैं सीधे तौर पे किसी का ऐसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक हमारा एक बिजनेस फॉर्मूला है कि भाई जो जितना दे सकता है उसके हिसाब से उसको चार्ज किया जाए, जैसे जो मरीज़ कम खर्चे पे भी अच्छा इलाज संभव हो और ज़्यादा खर्चे पे भी अच्छा इलाज संभव हो, ऐसी हमारी चेष्टा है। तो सबके लिए लेकिन अच्छा इलाज संभव हो, ये हमारा गोल। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 गरीब मरीज आए हैं, तो उनका इलाज आप फ्री में कर रहे हैं, जैसे वो मान लीजिए वो सक्षम नहीं है पैसा देने में, हाँ। ठीक है, और जो सक्षम है पैसा देने में उससे पैसा लिया जाता है, आप क्या कहेंगे? यही फॉर्मूला है। थैंक यू। अभी तक कुल 300 मरीजों ने यहाँ पे अपना चेकअप कराया है और ये हमारा राजकरण एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से ये इसका आयोजन किया गया है। गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण हुआ है और करीब 300 व्यक्तियों ने। सर, क्या उद्देश्य है इस कैंप का? इस कैंप का उद्देश्य ये है कि जो सुविधा है, नेत्र संबंधी कोई परेशानी है, वो गरीब तो शहर तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ही स्कूल है और यहाँ पे कैंप लगाया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें।